विधानसभा चुनाव में करनाल की होट सीट को लेकर आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी चुनावी दौरे के दौरान करनाल पहुंचे। यहां पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यालय काल में एक भी कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चालान तो अमेरिका जैसे काटे जा रहे हैं और परंतु प्रदेश की सड़कें पाकिस्तान से भी बदतर हैं। उन्होंने कहा कि करनाल से सरदार त्रिलोचन सिंह के अलावा पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पार्टी को भारी बहुमत एवं समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाकर कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, हरिराम साबा के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस को वोट दें सब करनाल वासियों से, क्यों? क्योंकि जो वायदे किए थे इन्होंने, भाजपा वाले ने कोई पूरा नहीं किया। और करनाल में आप स्वयं देख रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी की बात थी और थी कोई बात नहीं, बस चालान ठोके जा रहे हैं। चालान तो अमेरिका जितने और सुविधा पाकिस्तान से भी बदतर। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।